एक बार आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजीव सरीन जी, जो कि सीनियर नेता हैं आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यूथ रोडों पर है, डेली वेजर्स रोडों पर है, होम गार्ड्स रोडों पर है, क्या कारण है? डेवलपमेंट के बड़े बड़े दावे किए गए थे, जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया था, लेकिन फिर भी लोग रोडों पे हैं। एक तरफ से ऐसा कहना चाहिए कि जो डेली वेजर्स हैं, दिहाड़ीदार थे, वो एजिटेशन कर रहे हैं और उसकी वजह से आम पब्लिक सफ़र कर रही है। दो तीन दिन से तो पानी नहीं आने से शहर में हर जगह पानी की भी कमी आ गई है। होना तो ऐसा चाहिए था कि सरकार इन डेली वेजर्स की जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको शीघ्र अति शीघ्र मानती और इनके साथ इंसाफ करती। और कुछ तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट की एज तक पहुंचने वाले हैं, उनके बारे में सोचती, लेकिन सरकार तो दिख ही नहीं रही है। इनके बारे में कोई भी आज दिन तक सोच ही नहीं रहा है। और दूसरी तरफ यूनियन टेरिटरी आपने जैसे कहा कि बनने के बाद दावे किए गए थे बहुत बड़े बड़े, धरातल पे जो ज़मीनी असर है उसके बारे में तो जब आप जैसे नौजवान होनहार पत्रकार सड़क पे रूबरू होते हैं हमारे जैसे आम आदमी से, तो उनको ये सारे मसले आराम से पता चलते हैं। चाहिए तो ये था कि डेली वेजर्स वगैरह को अपने पास बिठा के इनकी डिमांड्स पूरी की जाती। वक्तन बेवक्तन टाइम तो लगेगा ही, और इनको कम से कम एश्योरेंस दी जाती कि आपकी मांगे एक महीना, दो महीने या तीन महीने तक पूरी की जाएंगी या मैक्सिमम मानी जाएंगी, जो भी होता, लेकिन नहीं। ये सरकार नाम की कोई चीज़ खासकर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तो देखी नहीं रही। आपको एक नई चीज़ बताऊं जो अभी तक मीडिया ने कहीं से भी कवर नहीं की है। सरकार ने जब डोमिसाइल पॉलिसी जम्मू व कश्मीर में इशू की थी तो नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं मेंशन किया गया था कि क्या सरकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने की कोई फीस लेगी या नहीं लेगी। ये इंटरव्यू जो भी यहाँ की पब्लिक देख रही है उनमें ये जागरूकता लाने की है कि आप में से कितने लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करवाने की फीस भरी। जहाँ तक मेरा नॉलेज है 20 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से फीस चार्ज की गई सरकार द्वारा, तहसीलदार ऑफिसेस द्वारा। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट के पास तो करोड़ों रुपया डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू करने के बाद इकट्ठा हो गया। ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ तक मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स है वहाँ से पता चला है कि पूरे कश्मीर प्रोविंस से एक पैसा भी फीस नहीं ली गई। ये फीस सिर्फ जम्मू प्रोविंस पर ही लागू की गई थी। अब बेहतर आप समझ सकते हैं कि सरकार किसकी है, और टोल प्लाजा के बाद अब एक नई ये डेवलपमेंट हुई है कि कश्मीर से कोई फीस चार्ज नहीं की गई और जम्मू से 20 रुपये पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी की। अब ये फीस लेनी बंद कर दी गई है। पहले तो कोई ऐसा गवर्नमेंट आर्डर बताया जाए जिसके तहत तहसीलदार को ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने फीस चार्ज करनी है। मेरे नॉलेज में ऐसा कोई आर्डर नहीं है। हो सकता है मैं गलती पे हूँ, क्योंकि बिना गवर्नमेंट के आर्डर के
तहसीलदार अपनी मर्जी के साथ तो फीस चार्ज कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है कि जिसकी जो मर्जी आएगी गवर्नमेंट ऑर्डर्स को भी ओबे नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया था कि फीस चार्ज की जाए तो फिर जम्मू से ही फीस चार्ज क्यों की गई, कश्मीर प्रोविंस से क्यों नहीं की गई? और दूसरा, अगर ऐसा कोई ऑर्डर इशू किया गया था, क्या वो अब ऑर्डर रिवोक कर लिया गया है, क्योंकि आजकल फीस चार्ज नहीं की जा रही है? बात 20 रुपए की नहीं है, बात लाखों डोमिसाइल्स की है। बिल्कुल, उस हिसाब से करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ है। और बात उन लोगों की भी है, उन लोगों का क्या फॉल्ट है जिन्होंने 20 रुपए फीस पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हिसाब से भरी? क्या अब ये फीस उनको वापस की जाएगी? की जाएगी तो कैसे की जाएगी? और अगर की जाएगी तो वो 20 रुपए की फीस क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू उनके अकाउंट में डाली जाएगी, या 20 रुपए की फीस लेने के लिए उनको 100 रुपए का पेट्रोल फूकना पड़ेगा, यहाँ दोबारा आना पड़ेगा? इससे आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकार की कैसी कारगुजारी हैं। अब इसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स में गवर्नमेंट की एक और देख लीजिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। होना तो ऐसा चाहिए था कि जब डोमिसाइल पॉलिसी बनाई गई उस वक्त ही तहसीलदार या नायब तहसीलदार को ये पावर्स मिल जाती कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए जाते। पीक टाइम चल रहा था कोविड-19 का, जिस वक्त ये ऐसी पॉलिसी बनाई गई उससे कोविड-19 में भी थोड़ा कंट्रोल रहता, लोग भी अपने घरों में सेफ रहते। उस वक्त इन्होंने सिर्फ तहसीलदार को पावर दी, और जब ये बीमारी काफ़ी हद तक जम्मू में फैल गई, अब जाके चंद दिन पहले इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स जिनके पास PRC है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स है, वो पावर्स नायब तहसीलदार साहब को दी। यहाँ पे भी हैरानी इस बात की आती है कि नायब तहसीलदार साहब जिनको एक इनकम सर्टिफिकेट इशू करने की पावर नहीं है, अब रियासत में रहने वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो नायब तहसीलदार साहब जैसे रैंक के ऑफिसर महोदयान को पावर्स दी गई है। इसी से पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है, और ये पॉलिसीज कहाँ से बना रही है, क्या ये वाकई में अपर लेवल पे डिस्कस करके, टॉप ब्यूरोक्रेट से डिस्कस करके स्ट्रेटजी बना के की गई है? अगर ऐसा है तो फिर तो ऊपर वाला ही ऐसे ब्यूरोक्रेट्स से बचाए जिनको ये सारी मामूली चीज़ें जो एक मेरे जैसा एक आम इंसान भी जानता है उसको भी पता है, तो इन्होंने नज़रअंदाज किस लिए की? या वाकई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस थी? ये तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कैसे पता करना है। संजीव सर, जिस तरह से आपने डोमिसाइल की भी बात की और काफ़ी जानकारियां जो हैं लोगों तक पहुंचाई, तो हम बात करेंगे अब SPOs को लेके, डेली वेजर्स जिस तरह से सड़कों पे हैं और SPOs को इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी आवाज़ जो है बुलंद कर सकें। और वाहिद एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एक ऐसी है जहाँ पे SPOs जो हैं भर्ती किए गए हैं और इनकी भी उसी तरह से ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसी तरह से पूरे कंधे से कंधा मिला के ये पक्के मुलाजमों की तरह काम करते हैं, लेकिन इस बेल्ट फोर्स को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, यहाँ के पुलिस महकमे की तरफ से भी, सरकारों की तरफ से भी, इसका क्या मेन कारण है? डैंग साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं बता दूं, यूनियन टेरिटरी दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी वाकई में वाहिद पहली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी या रियासत के हिसाब से ले लीजिए जिन्होंने डेली वेजर्स और कंट्रैक्चुअल्स के लिए मिनिमम वेजेस भी लागू की और सबके बेनिफिट के लिए काम किया। फ़र्क क्या होता है कि वहाँ करप्शन नहीं है,
ना पॉलिटिकल सर्कल में करप्शन है, ना टॉप ब्यूरोक्रेसी में है। जब टॉप ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सर्कल्स में करप्शन नहीं होगी तो तकरीबन आम जनता के सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। यहाँ लैक ऑफ विल भी कह सकते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि 26-26 सालों की नौकरियां हो चुकी हैं एसपीओस की, डेली वेजर्स की, और जो उनका जायज़ हक बनता है, लेकिन लगता है इनमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। टॉप ब्यूरोक्रेसी सोचती है कि मैं पूरी उम्र इसी कुर्सी पे बैठी रहूँगी। यहाँ ये जो पॉलिटिकल सरनुमा है वो सोचते हैं कि मैं पूरी उम्र इसी कुर्सी पे बैठे रहूँगा। हालात आज ऐसे हैं, कल ऐसे नहीं रहेंगे। कल तक जो मिनिस्टर थे आज सड़कों पे हैं, वही हाल कल आपका होना है। इसी पब्लिक से, इसी मासिस के बीच से आपको जन समर्थन मिला था, इज्जत मिली थी, लेकिन आपने उस इज्जत और जन समर्थन को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। यही लोग कल को आपको गालियां निकालेंगे जब आप भी कुर्सी से उतर जाएंगे, आपके पास पावर्स नहीं रहेंगी। उस वक्त आपको पछताने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मैं आपसे एक दो हाथ जोड़ के फिर गुजारिश करता हूँ एलजी महोदय से भी कि इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं। कुछ एक डिमांड्स में अगर कोई आपको सरकार को ऐसा लगता है कमी पेशी है तो वो डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड्स इनकी जेन्युइन है, वो माननी चाहिए। जी सर, तकरीबन 40,000 एसपीओज हैं और 40,000 मतलब उनके जो परिवार हैं, तो इनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है नज़रअंदाज करती हैं। इनके इशू को कोई भी हाईलाइट करने वाला नहीं है, कोई भी पार्टी जो है इनको हाईलाइट नहीं करती है, इनके मुद्दे पे बात नहीं करती है। इसका क्या मेन कारण है? हिंदू मुस्लिम पे बात की जाती है, मतलब बाकी चीज़ों पे बात की जाती है, लेकिन ये एसपीओस बेचारे जो हैं एक वोट बैंक भी हैं, इनका परिवार भी वोट डालता है, ये लोग भी वोट डालते हैं, लेकिन इनके इशू को जो है उठाया नहीं जाता है। माफ़ करना, मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ। ये वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इनका मुद्दा नहीं उठा रही हैं, जिन्होंने इनका शोषण किया हुआ है, वो किस मुंह से इनका समर्थन करेंगे, क्योंकि वो कल दिन तक सियासत में हुकूमत में रह चुकी हैं। जहाँ तक डैंग साहब, मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ, मेरे ख्याल में मैं तीसरा या चौथा तो आपके साथ इनके मामले में इंटरव्यू खुद कर रहा हूँ, और साथ में इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी जैसी हुकूमत देखनी है, आप अपने घर परिवारों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने मसाइल सारे हल करने हैं। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिन करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप अजमा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार अजमा चुके हैं, अब उनका दामन छोड़िए। आप ये एक ईमानदार सरकार चुनिए, आम आदमी पार्टी की सरकार चुनिए। मैं वादा करता हूँ और गारंटी देता हूँ, विद इन मिनिमम एवर टाइम, जिस दिन सरकार बनेगी, आप सबकी जेन्युइन सारी डिमांड्स मानी जाएंगी। और जैसे दिल्ली सरकार में किया है, यहाँ भी फौरन ऐसे इंतज़ाम किए जाएंगे, खासकर एसपीओस, डेली वेजर्स और बाकी भी होमगार्ड्स ले लीजिए, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स ले लीजिए, बाकी भी जितने इनके मसाइल हैं वो सारे के सारे प्रेफरेंस पे सॉल्व किए जाएंगे। संजीव सर, अब बात करेंगे हम, जिस तरह से लोगों से ये कहा जाता है, आम जनता से ये कहा जाता है कि आप अपने बिजनेसेस कीजिए, अपने कामकाज कीजिए, आप अपना रोज़गार जो खुद कमाइए, और जो लोग अपना रोज़गार कमा रहे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, जो एक इंजीनियर्स थे वो अपना रोज़गार कमा रहे थे, कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं मांग रहे थे, उनको बेरोज़गार कर दिया गया। आखिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती क्या है? क्या जॉब्स तो देने के लिए है नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं, जो अपना पेट खुद पाल रहे हैं, उनको भी बेरोज़गार कर दिया? जहाँ तक मेरा ख्याल है, पिछले दिनों एलजी साहब से बेरोज़गार इंजीनियर्स का डेलीगेशन, जिनकी ये पावर्स छीनी गई थी, वो एलजी साहब से मिला है। वो एलजी साहब ने एश्योरेंस दी है, मनोज सिन्हा साहब आए हैं, थोड़ी सी हलचल हुई है, थोड़ा वक्त देना चाहिए, लेकिन एलजी साहब की तरफ से भी ना कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए, ना सिर्फ इन इंजीनियर्स के बारे में, बल्कि एसपीओस
डेली वेजर्स, बाकियों के लिए भी। जब इतनी हाई पोस्ट पे बैठा हुआ एक शख्स एश्योरेंस भी देता है तब भी सभी का हौसला थोड़ा बुलंद हो जाता है। अब वही हाल रही कि इंजीनियर्स को जब उन्होंने इंजीनियरिंग की थी तब तो जॉब्स मिले नहीं, उनको प्रॉपर यूटिलाइज किया गया, उनकी सारी जवानी इसमें ही लगा दी, कॉन्ट्रैक्ट ये जो इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, और अब एट द वर्ज में वो आ गया स्टारवेशन मतलब रिटायरमेंट वाली एज में आ गया, तो अब उनको अनएम्प्लॉयड बना दिया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं कोई क्लियर नहीं है किसी तरफ से भी। अगर चांदी के इंजीनियर महोदयान ने कोई इस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम गलत किए हैं, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ने कहीं ऐसे कोई काम पकड़े हैं जिसमें गलत काम हुआ है, वो चंद एक जो शख्स जो डिफाल्टर हैं जो गलत काम किया है उनको आप सजा दे सकते हैं, उनको डिबार कर सकते हैं। सभी को सजा देना एक कैटेगरी में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, और सरकार को जल्दी से जल्दी, सरकार मीन्स एलजी साहब मीन्स बीजेपी सरकार, क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार है, तो उनको चाहिए। वैसे उम्मीदें कम हैं लेकिन उम्मीद पे जहाँ कायम है। बिल्कुल सर, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर संजीव सरीन सर, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए एसपीओस को लेके, डेली वेजेस को लेके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेके, और काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, डोमिसाइल पे हुई, और इन्होंने सारी जानकारी दी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ सब पूरे जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं, उन तक ये जानकारी जो है पहुंच सके। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज़ अहमद डैंग न्यूज़ एयर इंडिया के लिए कैमरामैन शाहनवाज के साथ।